morning, dear modern jams. How are you all? Students, we were studying the chapter 4 of your grammar book, that was questions. So take out your grammar books and open page number 19. क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें जो है चैप्टर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 फिनिश कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ था. नेक्स्ट जो रूलिंग है हमारी वो है डू, डज या डिड लगा करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. अब देखते हैं कि डू, डज या डिड आपके लगेंगे कहाँ पर. ठीक है, सो सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यू नो हरी. डू यू नो हरी, तो यहाँ पे डू लगा हुआ है. क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपके साथ में यू लगा था. ठीक है, आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो यू से स्टार्ट है. आई और यू के साथ में हमेशा डू लगेगा. नेक्स्ट है हमारा दिस पैरट स्पीक्स इंग्लिश. डज दिस पैरट स्पीक इंग्लिश. पैरट सिंगल वर्ड है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या लगा हुआ है? डज लगा हुआ है. कैट्स लाइक मिल्क, कैट्स, तो यहाँ पे डू लगेगा. डू कैट्स लाइक मिल्क. नेक्स्ट है हमारा गॉड मेड द वर्ड. मेड, मेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया है, इसलिए जो है यहाँ पे डिड लगेगा. सेकेंड फॉर्म का मतलब हो जाता है कि आपकी बात जो है मीन्स आपका जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे आपका डिड लगा हुआ है. Did God made the word? So now come to the exercise on page number 23. This is your exercise and you have to do it in your book. आपको इसको अपनी बुक में करना है. और ये एक्सरसाइज क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका cows eat grass. Cows, तो क्या लगेगा? Do cow eat grass? Do cows eat grass? और उसके बाद में question mark. ठीक है, कैसे, क्यों do लगा? क्योंकि यहाँ पे आपका cows कैसे form में है? Plural form में है, तो cows है तो do. ठीक है, next है हमारा he owns his shop. He singular word है, तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ड है तो क्या होगा? डज ही ओन्स हिज शॉप. ठीक है, डज ही ओन्स अ शॉप है, हिज नहीं है, अ शॉप है. तो क्या होगा इसका? डज ही ओन्स a shop. Okay, does he owns a shop के बाद में question mark. Next है हमारा a teacher worked the sum. Worked, second form की बात हो रही है, तो यहाँ आपका लगेगा did. Did the teacher worked the sum? साथ में क्वेश्चन मार्क. डिड द टीचर वर्क द सम. अनाया लिसन्स टू हर पेरेंट्स. अनाया लिसन्स टू हर पेरेंट्स, क्या होगा? डज. क्यों? क्योंकि अनाया जो है वो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर पर्सन है. डज अनाया, अनाया का ए कैपिटल इसलिए रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये जो है आपका नाउन है और नाउन का वो हमेशा कैपिटल होता है. लिसन्स टू हर पेरेंट क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट है हमारा ही सॉ द मून. ही सॉ द न्यू मून. ही के साथ में क्या लगेगा? डज. डज ही सॉ द न्यू मून और साथ में क्वेश्चन मार्क. डज ही सॉ द न्यू मून. दे
डू नॉट स्पीक इंग्लिश डे, डे क्या हो गया यहाँ पे, डे जो है ये प्यूरल में आ गया, तो क्या होगा डू नॉट स्पीक द इंग्लिश, तो कैसे बनेगा डू दे डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, डू दे डोंट स्पीक इंग्लिश। या एक तरीका और हो सकता है आपको ये बनाने का, डोंट दे स्पीक इंग्लिश, दोनों ही सही हैं, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डू दे डोंट स्पीक इंग्लिश या डोंट दे स्पीक इंग्लिश, ठीक, या आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, बोथ आर सेम बट हमारा बोलने का तरीका अलग होता है, तो वैसे ही इसमें भी है डू दे डोंट स्पीक इंग्लिश या डोंट दे स्पीक इंग्लिश, दोनों का वर्ड एक ही है, बस आपके बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। द बर्ड्स फ्लू आउट द केज, फ्लू सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे, डिड, द बर्ड फ्लू आउट द केज, आउट ऑफ द केज क्वेश्चन मार्क, डिड द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज। नेक्स्ट है हमारा शी डिड नॉट हर हेयर इट, शी डिडेंट हेयर इट, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिडेंट She hear it. Okay, didn't she hear it? Next है हमारा Owl sleep in the day light. Daytime. Owls. Owls क्या हो गया आपका plural. तो इसके लिए बनाएंगे Do owls sleep in the डे टाइम, क्या आउल्स जो हैं दिन के समय में सोते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ही फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ही फेल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, तो क्या होगा फेल, सेकेंड फॉर्म में आ गया ना, फॉल फेल, फेल क्या है आपका सेकेंड फॉर्म है, तो क्या होगा यहाँ पे डिड He fell down from a great height. ठीक है क्वेश्चन मार्क, Did he fell down from a great height? So I hope आपको समझ में आई होगी आपकी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, आपको इसे बुक में फिल करके मुझे शो करना है, बाकी जो आप लोग वर्क कर रहे हैं उसको डेली डेली रिवाइज करते चलिए बच्चों, क्योंकि ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस पे ही आती है और आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।